हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, इधर बकरी लेके आया और चराते चराते यानी दोपहर में आया था और चरा रहा हूँ। आज हो गया एक मुश्किल भैया, कहा बताया जाए। एक तो खुद अपना शरीर लेके चलना इसी बालू में मुश्किल होता है और ऊपर से मुश्किल में मुश्किल आ जाता है। तो भैया यही सब है, बाकी तो आप लोग को बताएंगे ही, आप लोग के बीच लेके आएंगे, दिखाएंगे क्या है भैया। जो कि पहले देख सकते हैं इधर एक टावर भी इधर दिखाई दे रहा है आप लोग को, और अलग एरिया है, हालांकि दूर तो है नहीं लेकिन फिर भी अलग एरिया है। और हमारा आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, क्योंकि बकरियां एक साथ में रहती नहीं है, इसके लिए मुसीबत होता है। नहीं तो अगर एक साथ में रहती, कहीं भी रहती, कितना भी दूर, दो चार दस बीस किलोमीटर दूर तक रहती तो भी दोस्तों कोई इतना मुसीबत नहीं होता। लेकिन बकरियां दस इधर हैं तो दस पश्चिम हैं तो दस पूरब हैं, और दस जो है पच्चीस पचास यानी दक्षिण समझ के चले कि मिली है। तो ऐसे बटोरते बटोरते लेके आया, एक तो मुसीबत उधर रुका है, यहाँ से कम दो किलोमीटर दूर पे जो कि बैठ गई, उठी नहीं पा रही है। खैर उसको तो छोड़ दिया मैं, वहीं बोला चलो ठीक है। हालांकि मजरा के करीब में है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, मजरा से दूर नहीं है, मजरा के करीब में ही है। बाकी ऐसे आज मैं बटोरने के लिए बकरियों को लेके खोजते खोजते आया और कुछ बकरियां मिली इधर, कुछ जा रही थी मजरे में, तो वो लोग को भी दौड़ा के लेके आया, सबको मिलाया। अभी फिलहाल मैं सबको मिला लिया हूँ। मिलाने के बाद दोस्तों ऐसा है कि अब मैं सोचा थोड़ा आराम आराम मिलेगा, तो आराम कहाँ, बकरी ऐसी है हरामी कि आराम कहाँ करने दें। जो कि आप लोग को दिखाएंगे भी, हो सकता है तो ऐसा कोशिश करेंगे कि यहाँ नहीं मजरे में चल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी दो घंटा चराना है बकरियों को। अभी तो मेरे ख्याल से चार और बज रहा है, और चार दो छः बजे तक चराना पड़ता है, और बीच में ही बकरी एक जो है बच्चा देने लगी भैया, और देने का लगी ऐसा तो नहीं कि दे चुकी है कहीं इधर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, शायद देने वाली होगी, अभी चिल्ला उल्ला रही है। तो यही मुसीबत है, अगर बच्चा दे देगी भैया तो उठा के दो तीन किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ेगा। हाँ, बकरी फार्म, बकरी लाइन में ऐसा सऊदी अरब में जो बकरी का काम होता है, बकरी में आने वाले लोग के लिए यही एक सबसे बड़ी मुसीबत यही है, जो कि कहीं बच्चा उच्चा दे दी भैया ना तो ले के चलते रहो, यही मुसीबत सबसे बड़ी है। हाँ, और करीब में तो बकरी रुकती नहीं है कि करीब में रुक जाएगी, ताकि थोड़ा आदमी दो कदम दस कदम बीस कदम रहे तो ले के चला जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और ये फोन भी आ रहा है, पता नहीं किसका, अभी देखते हैं इनको भी। दोस्तों ऐसा है कि बस यही सब मुसीबत है, बाकी तो और सब ठीक है। और आप लोग को दिखाते हैं बकरियां भी, बकरी को भी उधर दिखाई दे रही है आगे में, और अभी उसको पकड़ाएगी भी नहीं ना, पकड़ा जाए तो ताकि देख सकते हैं कि दे तो नहीं थी या देने वाली है। तो यही मुसीबत एक है, और कहा बतावा जाए भैया। हाँ, रोले रोवाई न आवे, हंसले हंसाई न आवे, बहरहाल ठीका है। और ये देखे पानी वानी एकदम ले होके चले हैं, जो कि निकचा गए हैं ये भी। हाँ, और हवा तो यहाँ का देख ही रहे हैं भैया, हवा चाप रहा है, हवा की वजह से बकरी बच्चा उच्चा दे देती है तो नहीं समझ में आता है। और एक दो बकरी रहे तब तो समझ में आए दोस्तों, बकरियों तो कम से कम 120 बकरी है, चारों तरफ फैली है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बकरी इधर दिखाई दे रही है, थोड़ा तो आगे गई उधर दिखाई दे रही होगी, शायद उधर तो धूप है लेकिन फिर भी दिखाई दे रही होगी, थोड़ा बकरी इधर भी जा रही है दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये देख सकते हैं इधर जा रही है, और सब तरफ यही जंगल है, झाड़ी है, और वो भी बड़ा बड़ा पेड़ नहीं, छोटा छोटा पेड़ है, जो कि उसमें दिखाई है ना दे, कौन कहाँ बैठ जाए दिखाई है नहीं देगी। तो यहाँ पे थोड़ा ये साफ दिखा है तो यहाँ पे रोका हूँ भैया, मैं बोला थोड़ा यहीं पे रोक के देख लेते हैं और वीडियो भी बना लेंगे।
अब बाकी क्या बताया जाए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा लेना दोस्तों। सबसे बड़ी मुसीबत बस यही है, बाकी तो मुसीबत आते जाते रहती है, लेकिन ये मुसीबत बहुत भारी मुसीबत है। और आइए बाइक कैमरा से थोड़ा सा दिखा देते हैं बकरी को। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है वो बकरी, वो बकरी रुक भी नहीं रही है और ऐसे उठ बैठ रही है। लेकिन भैया यही सब मुसीबत है, कहाँ बतावा जाए। अगर दे देगी तब तो समझ लें कि मुसीबत है मुसीबत है, और ना दे तब तो मजरा तक पहुँच जाए तब तो और अच्छी बात है भैया। और तो देख सकते हैं यहाँ तक आते आते बकरी बच्चा दे चुकी है, और क्या किया जाए भैया, अब तो इसको ले कर ढोना है, जो कि वहाँ दिखाई अभी दे रहा है, आगे बहुत ज़्यादा आगे है। और यहाँ तक आया कोई बोड़ी बड़ा नहीं दिखाई दिया, जो कि भैया ले कर चल रहे हैं, हम भी पहले से धीरे धीरे ले कर चलेंगे, क्या करेंगे, यही सब होता है, क्या बताया जाए। और ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना कम से कम, और हमें भी इजाज़त दें। जय हिंद जय भारत। दो हमें याद रखना दो।